शारदीय नवरात्र के तीसरे दिन बुधवार अथरोरा सिकरहा देवी शक्ति पीठ सजाए गए पंडाल में भक्तों ने देवी के चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा आराधना की। स्थानीय कलाकारों ने भक्ति गीतों से भक्तों को मंत्रमुग्ध कर दिया। नमस्कार, माधोपुर एक्सप्रेस लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। शारदीय नवरात्र के तीसरे दिन बुधवार को प्रयागराज जनपद हंडिया बरौत क्षेत्र के ग्राम सभा अथरोरा सिकरहा देवी शक्ति पीठों और मंदिरों पर सजाए गए पूजा पंडालों में भक्तों ने देवी के चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा आराधना की। देर शाम तक महिलाओं ने भी मंगल गीत गाकर देवी को प्रसन्न किया, तो वही स्थानीय कलाकारों के भजन संध्या जागरण का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें गायक कलाकार मेजर रतन तिवारी बंधु के नाम से जाने वाले सुजीत तिवारी एवं मंजीत तिवारी जी अपने सुंदर भजनों के माध्यम से उपस्थित सभी भक्तों का मन मोह लिया और भजन संगीत की प्रस्तुतियों से माहौल गुलजार रहा। युवा समिति के द्वारा मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित कर नवरात्र के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा देवी की विधि विधान से पूजन किया गया। गांव के राजेंद्र तिवारी ने बताया कि मां के इस स्वरूप की पूजा से जीवन में खुशियों का आगमन और आसुरी शक्तियों से रक्षा होती है। चंद्रघंटा देवी की पूजा से मन में शांति का भाव आता है। ये भक्तगण के मन में शांत सद्भाव बढ़ाने वाली माता है। इनकी पूजा से मन में उठे कुविचारों का नाश होता है। चंद्रघंटा देवी की पूजा से अलौकिकता एवं आध्यात्मिकता का दर्शन होता है। चंद्रघंटा माँ की कृपा से भक्त के चारों तरफ अच्छे लोगों के साथ रहने एवं एक दूसरे को सहयोग करने का योग बनता है। आसपास का वातावरण शुद्ध होता है, जिससे मन प्रसन्नचित एवं शांत होता है। माँ भक्त के मन में बने लक्ष्य को पूरा करने में पूर्ण सहयोग प्रदान करती है। विशेष रूप से उपस्थित भक्तों में अजीत तिवारी बाबा, शुभम तिवारी, राजेंद्र तिवारी, आशीष तिवारी, आनंद तिवारी, धतुरा महाराज, ग्राम प्रधान योगेश कुमार दुबे, संतोष शुक्ल नेताजी, सर्वेश पांडेय आरएसएस, अजय सिंह, माता चरण शुक्ल, मोहित पांडेय, शुभम गिरी, भोले तिवारी, आशुतोष शुक्ला मीडिया, प्रशांत कुमार आरएसएस, प्रदुम तिवारी आरएसएस व बहुत सारे भक्तगण भारी संख्या में उपस्थित रहे। खास रिपोर्ट, माधोपुर एक्सप्रेस लाइव न्यूज हंडिया प्रयागराज से संवाददाता आशुतोष शुक्ला।